किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, समय आ चुका है कई चीजों की, कई फसलों की बुआई करने का। जैसे कि अभी समय जो आया है, इस समय हम अरहर की जो बुआई करते हैं। देखिए किसान भाइयों, आपने हमारी अरहर की एक वीडियो देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। आने वाले समय में जो हम लोग अरहर की बुआई छिटुआ विधि से करते थे, जिसमें हमको पैदावार मात्र जो है 4 से 6 कुंटल, बहुत अच्छी अरहर हुई तो 4 से 6 कुंटल एक जो है बीघे में मिलती थी। अगर एकड़ में चले तो 1.5 गुना कर लीजिए। तो लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो तरीका है, अगर आप अभी नर्सरी डालना चाहें तो नर्सरी डाल सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है गर्म है। लेकिन नर्सरी से आपका क्या है कि पौधा तैयार हो जाएगा दोस्तों, पौधा लगभग आपका इतना बड़ा हो जाए। तो आपको एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो एक नया तरीका मैंने अपनाया है, और नया तरीका जो मेरा सक्सेस रहा है, सक्सेस क्या रहा, इतना गजब का रहा है कि चाहे जो भी चीज हो, आप मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं नेनुआ, इसको मैंने प्लांटेशन किया था। प्लांटेशन करने के बाद में हमने इसमें जो नीचे जब पौधा लगाने लगे तो इतना बड़ा गड्ढा किया, मतलब लगभग 10 इंच 8 इंच का जो है गड्ढा करके, और लगभग इतना 8 इंच 10 इंच जो है गहरा कर दिया। इसमें हमने भरी गोबर की खाद, इसमें साथ में ह्यूमिक एसिड डाला हमने, साथ में थोड़ा सा खली मिलाया, साथ में हमने केचुआ वाली खाद, इतना चीज मिला करके हमने पूरा गड्ढा भर दिया। गड्ढा भरने के बाद विश्वास करिए, ये टोटल अभी जो है 25 से 26 दिन का नेनुआ है, और आप देखिए कि फल फूल सब आ रहे हैं, और भरपूर मतलब फल आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ये कम समय का है और इसलिए इसमें फल अभी कम है। अभी जैसे जैसे बीतता जाएगा समय, जैसे पौधा ग्रो करता जाएगा, सेकेंड ब्रांच इसकी अभी बहुत कम निकली, फर्स्ट ब्रांच ही चल रही है, सेकेंड ब्रांच जैसे निकलनी शुरू होगी तो सेकेंड के लिए हमने ऊपर से इसको काट देना होता। चलिए अभी हम आए थे अरहर की बात पे, तो मैंने एक आपको डेमो दिया कि अगर आपको लगाना, मैंने बैंगन लगाया है, बैंगन भी मेरा तैयार है, बैंगन आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो चल रही है, हमने किस तरीके से इसमें खाद भरी हुई है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना खाद जो है कितने पौधे किस पौधे को देना चाहिए। जैसे लता वर्गीय जो फसल है ये लंबा जाएगा, हम अरहर की बात करते हैं दोस्त, अरहर का प्लांटेशन आप 1 एकड़ में मात्र जो है 1000 पौधे करिए, 7x3 पे करिए, 7x4 पे करिए, और विश्वास रखिए गुरु जो बोलते हैं ना कि गुरु मंत्र आपको जो दे रहा हूँ ये, कि इस तरीके से अगर आप पौधा लगाते हैं, बीज आप मंगा लीजिए, मैं कहता हूँ आकाश चौरसिया का जो बीज है उसको मंगा लीजिए। अगर आप लोगों को बीज चाहिए तो आप हर वीडियो में मैं एक लिंक देता हूँ कि आदेशी खेती किसानी से जुड़े सवालों के लिए आप इस लिंक को क्लिक करें तो उस पर जाइएगा, वहाँ पर आप जिससे भी बीज चाहिए मंगाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बीज बोने से पहले या लेने से पहले मुझसे जरूर कंफर्म करें कि जो बंदा यहाँ पे बीज डाला हुआ है उसका बीज सही है या नहीं है, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में इस चीज़ का कंट्रोल रखता हूँ कि अगर कोई भी बिना मेरे से पूछे खरीदता तो भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे से पूछ के चलते हैं तो मैं उससे बीज मंगाता हूँ, जो भी ग्रुप में डालता है, कि भाई तू मुझे 50 दाने 100 दाने भेज, मुझे बिक्री नहीं करनी है, मुझे लगाना नहीं है, लेकिन मैं उसको चेक करके अपने किसान भाइयों के लिए ज़रूर दिखाऊंगा कि हाँ ये है सही या नहीं सही है। तो अभी मैं आकाश चौरसिया का, अकेले में आकाश चौरसिया का बीज आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि साल में 2 बार फल देती है ये, बाकी कई लोग हैं ग्रुप में लेकिन उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है, मैं उनका रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं कि मैं बिना के कोई चीज़ जाने, बिना कोई चीज़ समझे मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता दोस्तों, ये मेरी आदत है, फौजी आदमी हूं, आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जब आपका पौधा लग जाए, पहली चीज़ ये समझिए कि पौधा लगने के बाद में बीच में जो गैपिंग होती है, हम इसकी आराम से पावर टिलर से, बड़े ट्रैक्टर से, 7 फीट इसलिए मैंने कहा कि आप 6 फीट का उस पर रोटर वेटर से जुताई कर सकते हैं। अगर आप उसमें बीच में कुछ नहीं ले रहे हैं तो, अगर बीच में आप मल्टीक्रॉपिंग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये बोड़ा लगा हुआ, आप बोड़ा भी लगा सकते हैं, आप धनिया भी लगा सकते हैं, आप मूली भी लगा सकते हैं, आप गोभी भी लगा सकते हैं उसके बीच में, वो आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन केवल अगर जो अरहर की खेती करता है तो बीच में आपने क्या करना है कि जैसे जुलाई में बारिश हो जाए, घास निकले तो आप इतनी बड़ी घास हो उसी के बाद में पावर ट्रैक्टर से जुताई करवा दीजिए, और जो बेड बचेगा, जो बेड, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, बिना बेड बनाए जो है नहीं लगाइएगा, कतई बिना बेड बनाए नहीं लगाइएगा।
पौधे लगने के बाद में जैसे ही पौधा हमारा 3 फीट का होता है, 2.5 फीट का होता है, उसके ऊपर से आप ट्रिमिंग कर दीजिए हल्की सी, जो फुनगी है, जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ तरोई का, यहाँ पे दिखाइए, इसको ऐसे इतना कट कर दीजिए, इतना कट कर दीजिए, मात्र इतना। इतनी ब्रांचेस हो जाएंगी, इतनी ब्रांचेस हो जाएंगी, और पूरा खेत टोटल 4.5 महीने में भर जाएगा। अब आपने कहा कि भैया आपने खाद तो एक बार डलवा दिया देसी खाद वहां पे, उसके बाद आपका क्या काम? तो ये पहली बार इसलिए डालते हैं कि जड़ें इसकी समय लगता है विकास करने के लिए, तो जब ये गोबर की खाद पाती है फसल हमारी चाहे जो भी हो, तो बहुत तेजी से ह्यूमिक एसिड के साथ में विकास करता है। जब आप मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, उसके बीच में कुछ भी करते हैं, तो अरहर की जड़ें काफी दूर तक फैल जाती हैं और वो जड़ों का कटना जरूरी होता है, इसलिए आप उसकी जुताई बराबर करते रहिएगा। जुताई करते रहेंगे, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि अगर आप जब काट लेते हैं, खास करके अप्रैल महीने में, तो दोस्तों मैं स्पेशली आपसे रिकमेंडेशन करता हूं, क्योंकि मैं झेल चुका हूं, मैंने छोड़ दिया था, मेरा पूरा का पूरा कम से कम 200 पौधा था आरआर का, वो सूख गया। लेकिन जहां पे नमी थी, इसका मतलब क्या कि आपको नमी पौधे को बना के रखना है। एक भ्रांति किसान भाई हमारे पैदा करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि अरहर की सिंचाई नहीं की जाती है, तो दोस्तों आप मल्टी क्रॉपिंग करिए, फसल लीजिए। मुकेश यादव की आप वीडियो देखिए जाकर के, लिंक में दिया हुआ है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, और उनकी आप देखिए कि कितना गजब गजब का जो है उनका जो है पौधा तैयार हुआ। मुकेश यादव बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी खेती करता है और नए नए रिसर्च करता है, सबसे बड़ी चीज। तो मेरा मकसद उनकी बड़ाई करना केवल नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप भी नए नए रिसर्च करिए, तभी आप खेती में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कूप मंडूप बन करके भाई साहब खेती नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जैसे पौधा आपका तैयार हो, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहली बात तो कम से कम आपका जो है एंड्रोकॉल का 2-3 स्प्रे जरूर हो जाना चाहिए, और कोई भी एंटीबायोटिक जो है आप उसके साथ एक बार स्प्रे कर दें। और जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, उस समय पे आप कई चीज़ें हैं, हम तो केवल मट्ठा स्प्रे करते हैं, मट्ठा कापर जो होता है उसका स्प्रे कर देते हैं, तो फल फूल हमारे जो है अच्छे आ जाते हैं। नहीं तो आप ले सकते हैं बहुत सारे और दवाइयाँ हैं, उस समय मैं बताऊँगा जब हमारी अरहर जो है, मैं अरहर चूँकि खेती नहीं करता, मेरे पास खेती कम है, आप देख पा रहे हैं ये मेरा मॉडल एक बनाया हुआ है जिससे कि आपको मैं दिखा सकूं कि इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं और क्या क्या सफलता मिलती, क्या असफलता मिलती, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये परवल है, मेरा बेस परवल है, और उसके साथ जब जगह बची हुई है तो मैंने नेनुआ लगा लिया है, बीच में देखिए बोड़ा लगा लिया, इधर देखिए आप जो है लगाई हुई है। तो आप खेत को 1-1 इंच इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, लोग कहते हैं कि अरे हम सारी फसलें लेंगे, बहुत सारी फसलें लेंगे, ये धरती माता है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन इसको भी खुराक चाहिए। खुराक में आपको मैं केवल एक चीज़ कहूँगा कि बिना नागा आप गौ कृपा अमृतम जो है आप डाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आप इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि मैं शिमला जा रहा हूँ, 18 तारीख को घर से निकलूँगा, जिस किसी भी सज्जन को चाहिए होगा गौ कृपा अमृतम, यहाँ से लेकर के अम्बाला तक मुझसे ले सकते हैं। लेकिन 18 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे से पहले जिसका फ़ोन आ जाएगा उसी को मैं दे पाऊँगा, बीच में मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरा मकसद पूरे भारत में इसको पहुँचा देना है, जिससे हाँ ये मैं बात पे भटक गया कि आपको हर महीने एक बार अपनी फसलों में गौ कृपा अमृतम फ्लड इरीगेशन से, ड्रिप इरीगेशन से, जिससे भी हो सके आपको पहुंचाना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों, अरहर की जो हमने वीडियो आपको दी है, ये एक मेरी अपनी प्रैक्टिकल मेरा अपना अनुभव है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग, अरहर का टाइम हो चुका है, अरहर लगाइए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आपको एक पौधे से 1 से लेकर 2 केजी के बीच में भी मिलता है दोस्तों, तो 10 कुंटल से 12 कुंटल पर बीघा आपको फसल मिलेगा। इंटरक्रॉपिंग जो आप कर लेते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट देखे जाएगा उसका। इंटरक्रॉपिंग में जितना आप अरहर पाएंगे, मेरे हिसाब से उससे 1.5 गुना ज़्यादा आप इंटरक्रॉपिंग में भी ले सकते हैं। तो अरहर हमारी ज़रूरत है, इसलिए जो है आप अरहर जरूर लगाइए। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी है वो जरूर बताइएगा कमेंट में, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको ज्ञानपूर्वक वीडियो देता रहूँगा, आपके जो फायदे की चीज़ होगी मैं आपको बताता रहूँगा ढूंढ ढूंढ करके। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।